You. If things are okay, we can start the discussion of Newton's laws of motion. हाँ, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में. आपको पुली के बारे में बताया गया एंड यू वांट पुली री एक्सप्लेनेशन. बिल्कुल, मैं करता हूँ, पुली को री एक्सप्लेन करता हूँ. सो पुली एज यू वांट दिस टू बी एक्सप्लेन्ड. ओके, सो पुली अपने रियल लाइफ में अगर कभी देखा हो या फिर अभी आप फ्यूचर में कभी देखें तो ज़रूर ऑब्जर्व करें. वो बेसिकली एक डिस्क टाइप का स्टोरी होता है, डिस्क होता है और बीच में उसको हिंज करने का एक पॉइंट होता है या फिर कुछ बियरिंग लगी रहती है. ये अगर आप उसको साइड से देखोगे तो ये इस तरह से पूरा मटेरियल का बना रहता है. अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, लेट्स से इस पिक्चर को आप अपसाइड से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, वो भी मैं बना देता हूँ. तो टॉप भी देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. दैट मीन्स यहाँ पर एक ग्रूव होती है, इसके ऊपर एक ग्रूव चल रही होती है. सो रोप इससे पास होके जा रही होती है ऐसा. और ये टॉप भी अगर आपको कम समझ में आ जाए तो अच्छी बात है. स्ट्रिंग इसके ऊपर से ऐसा रैप होती है. और इस तरह से हैंग कर रही होती है. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है. ऐसा घूम सकती है और ऐसा भी घूम सकती है. साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा दिख सकता है कि आपको एक, इसको शाफ्ट बोलते हैं, ये शाफ्ट है, उसके ऊपर पुली है. तो पुली कुछ ऐसा नजर आएगा. और स्ट्रिंग यहां से पास होकर के ऐसा जा रहा है. एक ही स्ट्रिंग दिखेगा क्योंकि दूसरी स्ट्रिंग अंदर की तरफ जाएगी ऐसा. सो ये टू डायमेंशनल व्यूज है. थ्री डायमेंशनल में देखना चाहोगे तो कुछ टिल्टेड नजर आएगा. उसको अगर मैं रफ एंड से बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा. सम सॉर्ट ऑफ दिस, ये रफ एंड से और स्ट्रिंग इसके ऊपर से जारी होती है. हाँ, देखो किसी, आपने बहुत सही पिक्चर बना के दे दिया जिसको मैं बनाने में इश्यू फेस कर रहा था. ऐसा कुछ रहता बिल्कुल. जो आपने उठा करके एक पिक्चर दिया है उसी को अगर आप देखोगे तो उससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वो पुली है, वो डेस्क जैसा होता है, बीच में जो एक्सेस है वो उसकी एक्सेस कहलाती है. एक मिनट में उस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और भी डिटेल में बता देता. आपको फ्रिक्शन भी विजुलाइज करने में आसान हो जाएगा. आई वॉन्टेड दिस की आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए. सो अगर हम इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं ओके, अब इसको ऑब्जर्व करो क्या चल रहा होता है. ये प्रॉपर व्यू है, फिगर है. सो हाँ, ये जो पोजिशन, ये पूरा पुली है. जितना ये ग्रीन कलर का अपने को दिख रहा है पुली है. और ये जो मैंने लाइन यहाँ पर सिंपल सी ड्रॉ की थी वो ये एक्सेल है जो यहाँ पर रॉड जैसा आपको नजर आ रहा है. और फिर इस रॉड को अपने किसी सिस्टम से टाई करके फिर ऊपर आपने टाई कर रखा है, हैंग कर रखा है. स्ट्रिंग इसके ये बीच वाले पोर्शन में जाता है, ये ग्रूव जिसको बोलते हैं, और ऐसे हैंग कर रहा होता है स्ट्रिंग. और ये बैक साइड से भी जा रहा होता है, वहां पर भी ब्लॉक कर सकते हो. तो ये पुली इस तरह से रोटेट करेगी, आइदर दिस वे और मे बी दिस वे, डिपेंड अपॉन कौन तरफ लोड जाता है. तो इसमें जो कंडीशंस हैं या जो अजम्पशन है हमारे, वो ये है कि ये जो पूरा पुली है ये, इसको हम मासलेस मानते हैं. हालांकि ये बहुत हैवी होता है, मास होता है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स के हम उसको मासलेस मानते हैं. और ये जो जितना भी अरेंजमेंट है सबको मासलेस मानते हैं. दैट मीन्स बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट से बना करके बनाया गया है. दूसरा ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एक्सिस है जहाँ पर ये रॉड लगा हुआ है जिसको हम एक्सेल बोलते हैं,
या शाफ्ट बोलते हैं, तो ये जो शाफ्ट है ना, ये इसको बहुत इजीली घुमा सकता है, दैट मीन्स इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पे जो रोप जाने वाला है, स्ट्रिंग जाने वाला है, स्ट्रिंग का और पुली के बीच का फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग है, सो दैट कि अगर पुली घूमेगा, अगर पुली घूमेगा तो स्ट्रिंग भी घूमेगा, ऐसा बोलते हैं, और जितना पुली रोटेट करेगा उतना ही स्ट्रिंग मूव करेगा इसके ऊपर से। तो ये दो कंडीशंस या तीन कंडीशंस हम याद रख से, कैसा, ये मासलेस है, दूसरा इसकी एक्सल के बीच में जहाँ से घूम रहा होता है, पुली घूम रहा होता है, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, और जहां से रोप जा रहा होता है वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, सो दैट कि वो रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा होता, ये अजम्पशन है। और इसी इतना इस पिक्चर को हम सिंप्लीफाइड वे पे इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिखाया था वो बेसिकली इस रॉड के बारे में था, इसी को हम बोलते हैं हिंज, तभी ऐसा बोला गया था यहाँ पर हिंज किया गया है, सो दिस इज कॉल्ड हिंज्ड, यहाँ पर हिंज है, इसको हिंजिंग कहते हैं, समझ में आया? रिलेट टू मोशन डीपीपी टू ओनली फ्यू वर डिस्कस्ड। हाँ, हम लोग रिलेटिव मोशन को का डिस्कशन कर लेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक में रखेंगे उसका डिस्कशन, और आपका जो टेस्ट पेपर आएगा जेई मेन का, वो मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपने बेसिक लगा लिया है तो आपका रिलेटिव वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और सिंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा और सॉल्व करना सीख लेते हैं, और डीपीपी टू से के जो क्वेश्चन सब भी आपसे नहीं डिस्कस्ड हैं, ये उनके डाउट अब भी आपको चाहिए, तो अपने पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम लोग कल एक लेक्चर रख सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीक पे भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आज हम लोग अगर न्यूटन्स लॉज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको एनएलएम के क्वेश्चन सबसे नहीं जमेंगे, क्योंकि वो भी आएंगे, हालांकि बेसिक होंगे बट फिर भी वो आपको प्रैक्टिस करने की है। एनएलएम से कितना आएगा, एनएलएम से सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक एफ इक्वल टू एम ए लगाना होगा, एबीडी ड्रॉ करना होगा जितना हम लोगों ने लर्न किया है, और उसके बेसिस पर कुछ एक्सेलरेशन फोर्सेस के बारे में आपसे पूछ सकता है, वही फोर्सेस जो हम लोगों ने लर्न किए हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, वेट, स्ट्रिंग में टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स, इतना ही रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, टाइम बचेगा तो अभी भी डीपीपी को पिक कर लेंगे। आई वांट टू मेक यू प्रैक्टिस फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम पेपर में या सिमिलर टाइप के एग्जाम पेपर में आपको मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस ऑन एनएलएम, कितने क्वेश्चंस, अब ये रिवील करना ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो ज्यादा भी दे सकते हैं, और बेसिकली काइनेमेटिक्स और एनएलएम पूरा, काइनेमेटिक्स पूरा रहेगा, एनएलएम का उतना ही पोर्शन रहेगा जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अगर क्लासेस को आपने समझाया, जितना समझाया वो आपको समझाया, तो आप जरूर कर लीजिएगा, उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, अगर टाइम बचता है तो आपके डीपीपी के और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी कैच कर लेंगे, ज़्यादा डीप पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीप पे क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। लास्ट क्लास में अपने एडवर्ड मशीन को देखा था, या सिंपल स्ट्रिंग पुली वाला केस देखा था, उसी से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और वो ये है कि लेट से आपके पास एक पुली दिया गया, आप ड्रॉ करोगे, आप जल्दी आंसर करोगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इसको दो स्ट्रिंग से सीलिंग से टाई किया, दो स्ट्रिंग है, एक तो ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है और एक स्ट्रिंग जो है वो सीलिंग से पुली को कनेक्ट कर रहा है, इस समय जो पुली है वो किसी पॉइंट पे फिक्स नहीं है, वो हैंग कर रहा है इस स्ट्रिंग की वजह से, लेट्स से कि ये जो मास है ये अपना 6 kg का है, और ये जो मास है ये 4 kg का है, जी की वैल्यू 10 है, आपको इस स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसके टेंशन को हम बोलते हैं, लेट से वो टी है या टी डैश है, इसको टी और टी पकड़ लेते हैं जैसा हम लोग नाम यूज किए, अपने से पूछा जाता है फाइंड टी डैश, तो पहला सिंपल क्वेश्चन है फाइंड टी डैश, दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड विद द सीलिंग एंड द पुली,
और ये सिस्टम आप रिलीज कर देते हो रेस्ट से, छोड़ देते हो फ्री है, कितना टेंशन क्रिएट करेगा? ट्राई कीजिए, और अगर आप आंसर निकाल पाते हो लास्ट क्लास में आपने जो फॉर्मूला लिया था उसको भी यूज कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। सो फिर हम लोग कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपने 9.6 न्यूटन बोला है, पेपर फॉर्मेट के बारे में आप बात कर रहे हो। पेपर फॉर्मेट जे मेन का वही रहेगा, 20 सिंगल करेक्ट और 5 इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप। ओके, उसके बारे में बाद में भी डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ और बचता है। इसका आंसर एक 9.6 न्यूटन आ रहा है, कोई दूसरा बता पाएगा? टेंशन ऑन दिस स्ट्रिंग। सो लास्ट क्लास में आपने देखा था अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हैवी अगर इसको M1 पकड़ लेते हैं और ये लाइटर M2 होता है तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन होता है, ये वाला टेंशन वो आप जानते हो। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दोज थिंग्स। सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तब बोलोगे T की जो वैल्यू आएगी वो आती है 2 M1 M2 G अपॉन M1 + M2। आप लोगों से बोला था कि आप इसको प्रूफ करोगे या सिंप्लीफाई करोगे, वेरीफाई करोगे, तो आपने कर लिया होगा। जब इसको वेरीफाई करोगे किया होगा तो ये आ जाता आंसर। अब इसकी टी की वैल्यू निकल आएगी 2, एम की वैल्यू 6, M1 इज 6, M2 इज 4, जी इज 10, जी को 10 लेने का, और ये 6 + 4। जी को आप 10 ले सकते हो, लिबर्टी है पूरी। 6, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये इतना बन जा रहा है 48। इसका मतलब 48 न्यूटन टेंशन है इस स्ट्रिंग में। लेकिन आपसे टी डैश पूछा गया है तो हम लोग पुली का बीडी बना करके टी डैश पकड़ लेते हैं। टी डैश कितना था? 2x t, क्योंकि ऊपर टी डैश लगेगा, नीचे टी लगेगा, ये टी लगेगा, और आपको पता चलेगा कि इस तरह से 2x t के बराबर होता है। तो 48 × 2 कर दोगे, दस डन। जब 48 × 2 करोगे तो ये जितना भी बनेगा वो अपना आंसर हो जाएगा 96 न्यूटन। इसको अगर IBD बनाना हो तो हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हैं, आप फिगर में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा टी ऊपर की तरफ ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर फोर्स ऊपर लग रहा होगा टी, इस पुली पर टी नीचे लग रहा होगा, इस पुली पर टी नीचे लग रहा होगा, यहाँ पर टी ऊपर लग रहा होगा, और इसका अपना M1G लग रहा होगा, इसका अपना M2G लग रहा होगा। बस ये IBD हो गया जल्दी करने के लिए। अब पुली का IBD देखो, पुली को देखो तो पुली मासलेस होता है, तो टोटल फोर्स ऊपर इज इक्वल टू टोटल फोर्स नीचे, दैट मीन्स T′ = 2T। फिर यहाँ पर इक्वेशन जरूर बनानी पड़ेगी अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो। यहाँ पर ए पकड़ो और सेम ए इसको बोलेंगे, तो ए और ए बराबर हो जाएगा, फिर इक्वेशन आएगी M1G − T = TF − M1A। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल फोर्स अपसाइड T − M2G = M2A। एक मिनट लगेगा इसमें, ए गायब कर दो, टी पता कर लो, टी आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर सिंपल एडवर्ड मशीन है तो उसके लिए याद भी रख सकते हैं ए की वैल्यू एज वेल एज टी की वैल्यू, यही दो वैल्यू सबसे पूछता है। इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और उसके बारे में आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से ऐसा बोला जाता है कि आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान से आंसर देना है, और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे, हो सकता है, बट स्टिल फिर से एक बार ट्राई करना है और रूल के हिसाब से सॉल्व करके आंसर करना है। इस पुली पर आपने एक ब्लॉक को हैंग करा रखा है जो कि डाउन साइड है, और एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, और एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर रहा है। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस मीन्स नो फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस। लेट्स से इसका इसका ये M1 है और इसकी वैल्यू अपने को 6 kg दी गई है, और ये M2 है, इसकी वैल्यू अपने को 8 kg दी गई है। ये पूरा फिक्स्ड है, ऐसा बोलेगा इफ सिस्टम दैट मीन्स एवरीथिंग इज रिलीज्ड। Then find tension in the string. Tension in the string.
आप क्या करो, M1 का BD बनाओ, M2 का BD बनाओ, टोटल फोर्स लिखो, एक्सेलेरेशन लिखो और इसको सॉल्व करो। मैं आपको एक मिनट देता हूँ और आपको सॉल्व करना है। हाँ, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अगर ये नीचे जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये फॉरवर्ड जाएगा, ये इनके पास ऑप्शन है। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही आगे जाएगा, बराबर टाइम लेगा। इसको उनके एक्सेलेरेशन वेलोसिटीज भी बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अलग अलग होंगे, वो दिख रहा है अपने को। तो इस कंडीशन को यूज करके FBD बना करके सॉल्व करना है अपने को। सो 1 मिनट फॉर यू टू ट्राई। आपने कुछ लिखा तब तो मैं पढ़ लेता हूँ। The weights on both of them are different, so student, the tension both the string be different? No, tension at the same tension in a same string remain the same. So weight पे depend नहीं करे, weight पे total depend करता है, लेकिन same string का tension same रहता है जब तक पुली मासलेस है। Last slide you want? अगर आपने ये copy कर लिया तो last slide ये आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही, पुली मासलेस है इसलिए सेम टेंशन रहेगा। कम बैक टू दिस। एटलीस्ट आपने इक्वेशंस बना लिए होंगे, तब इनका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे वो अपने को दिखाना होता है। तो आप चाहो तो इनको अलग से ड्रॉ कर सकते हो या फिर चाहो तो इसी फिगर में दिखा सकते हो। मैं इसी फिगर में दिखा रहा हूँ। M1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, एक M1G होगा और टेंशन स्ट्रिंग का ऊपर लगेगा। इस स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा चाहे आप कहीं पर भी देखें, तो T आएगा और नीचे कौन सा फोर्स आएगा, M1G। ये FBD है, आप इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हो। M2 पर आते हैं, M2 पर क्या चल रहा है, M2 पर इधर एक टेंशन चल रहा होगा बिल्कुल, इसका अपना वेट नीचे लग रहा होगा बिल्कुल, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से ऊपर आ रहा होगा बिल्कुल। सो ये जो फोर्सेस है वो दिखा रहे हैं हम M2 पर, तो टेंशन की वैल्यू वही होगी, ये M2G आएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। फ्रिक्शन नहीं है तो कोई और फोर्स नहीं आएगा। अब आप इसके लिए न्यूटन्स लॉ लगाओ M1 के लिए। सो व्हाट द न्यूटन इक्वेशन फॉर M1 इज गोइंग टू बी, टोटल फोर्स डाउन साइड लिखना है अपने को। तो टोटल फोर्स हमारे पास आएगा M1G माइनस T, इसकी वैल्यू नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, दैट मींस मास ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, F इक्वल टू MA। नाउ कम एट M2। M2 पर टोटल फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला देखना है, केवल T है, तो टोटल फोर्स इज T, मास इज M2, एक्सेलरेशन इज A। सो ये दो इक्वेशन आ गई। हाँ, M2 के लिए एक और इक्वेशन बना सकते हो y डायरेक्शन में। आप देखो ये ब्लॉक चलेगा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो टोटल फोर्स y डायरेक्शन का जीरो होना चाहिए। तो n माइनस M2G की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ से अपने को पता चल जाएगा उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। नॉर्मल रिएक्शन अगर आपसे पूछता है तो M2G बोलोगे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन M2G को बैलेंस करेगा और ये टेंशन इसको एक्सेलरेट कराएगा। अब आप क्या करना है, अपने को T पता करना है, T टेंशन पूछा है, तो आप A पता करना हो तो T को गायब करो, T पता हो करना हो तो A को गायब करो। तो यहाँ से हम A को पकड़ करके यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम A निकाल करके T निकालेंगे, चॉइस अपनी है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। दैट मीन्स अगर हमको एक्सेलेरेशन पूछा गया होता कि किसी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो दोनों का बराबर एक्सेलेरेशन ये आता। नाउ यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं M1 और M2 की और G की, और उसके बाद हम पता कर सकते हैं। तो ये एक्सेलेरेशन अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो M1 6 है और ये 10 है, डिवाइड बाई 6 प्लस 8 है। सो ये जो वैल्यू बन रही है 60 डिवाइडेड बाई 14 आ रहा है। अच्छा, T निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को फिर से यूज कर लो। तो T की जो वैल्यू आ जा रही है दैट इज M2 इंटू A। M2 कितना दिया गया अपने को, M2 इज गिवन एज 8। A is how much? 60 divided by 14. Simplify कर सकते हैं, जितना simplify हो जाएगा 2 से divide कर सकते हो, तो ये बनेगा 240 divided by 7 newton. इतना अपना आंसर आ जाएगा। सो आपसे पूछा गया था टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो क्या हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर पा रहे हैं? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्या किया गया, आपने M1 का FBD बनाया, क्योंकि हमको जल्दी करना होता है तो कई बार हम लोग FBD को फिगर में ही बना लेते हैं। M2 का FBD बनाया, आप फोर्सेस पे ध्यान दो कैसे फोर्सेस लगाए गए।
फिर एफ इक्वल टू एम ए लगाया एम वन के लिए, एफ इक्वल टू एम ए लगाया एम टू के लिए। एम वन पर केवल फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए इसी डायरेक्शन में लगाया, एम टू में फोर्सेस दो डायरेक्शन में थे तो इसलिए दो इक्वेशन आई हमारे पास, और ये दो इक्वेशंस जो थी हमारे लिए काम की थी। यहाँ से हमने दोनों को ऐड कर लिया, टी कैंसिल आउट हो गया, ए निकल के आया, और फिर इस ए की वैल्यू हमने सेकेंड में रख दिया तो यहाँ से हमने को टी की वैल्यू पकड़ में आ गई। तो आपको पता चल गया कि कितना टेंशन एक्ट कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन भी पता चल गया कि ये 60 अपॉन दिस, 60 अपॉन 14 को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो 30 डिवाइड बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा होगा ये M1, और M2 राइट हैंड साइड पे जा रहा होगा, पुली ऐसा घूम रहा होगा। आर यू एबल टू विजुलाइज दिस? इफ यस दैट्स गुड, इफ नो वी नीड टू थिंक अबाउट। अगर कोई स्टेप बताना है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन पिक करेंगे। बस आपको इक्वेशंस बनानी है, क्या स्टेप्स है, सिस्टम्स आइडेंटिफाई करना, दैट मीन्स M1 M2 दो हमारे पास है, फिर M1 का है BD, M2 का है BD, M1 के लिए न्यूटन इक्वेशन, M2 के लिए न्यूटन इक्वेशन, और बस उनको इसको सिंप्लीफाई करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान दीजिए, उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आइडिया वही रहेगा, सिचुएशन बदलती रहेगी, देखने में अलग अलग लगेगा, बट इट विल हैव द सेम आइडिया अगेन। लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक वर्टिकल है, ये पूरा फिक्स्ड है, जब कभी ऐसे दिखाया जाता है इसको ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है, एंड देयर इज अ पुली ओवर हियर एंड दिस पुली इज फिक्स्ड विद दिस प्लेटफॉर्म, से ये पुली कहीं नहीं जा सकती है, पुली को फिक्स कर रखा है, बस घूम सकती है, घूमने के लिए यूज करना उसको। Or from here there's a string downside, from here there's a string here parallel to the inclined plane. We got some blocks. So ek block yahan par hang kar raha hai aur ek block yahan par rakha hua hai. Isko M1 pakad lete hain, let's say 2 kg ka hai. Aur isko M2 pakad lete hain, that M2 is equal to let's say 8 kg का है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका इंक्लिनेशन एंगल भी बताया गया थीटा, ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो पहला तो क्वेश्चन ये पता करना है कि M1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर छोड़ा गया। तो क्वेश्चन है इफ सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम का मतलब पूरा जो कि दिख रहा है, देन नंबर ए क्वेश्चन है एम वन मूव्स अप और डाउन और स्टेज देयर, तो ये ऑप्शन मैंने आपको दिया पहले क्वेश्चन के लिए, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को आपको कंसीडर करना कि फ्रिक्शन अब्सेंट है। सो पहला लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है आपके अंडरस्टैंडिंग का कि अगर हम इसको रिलीज करेंगे और इस तरह से रखा गया है तो क्या ये सिस्टम मूव करेगा। देखो स्ट्रिंग अपना लेंथ कम ज्यादा नहीं कर सकता है, तो स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर ये नहीं मूव करेगा तो फिर ये भी नहीं मूव करेगा। तो अपने को बताना है कि M1 के साथ क्या चल रहा है, क्या M1 मूव करता है या फिर नहीं करता है, अगर करता है तो किधर मूव करता है। तो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। हाँ अभी आपको मूव करने को देखना है, फिर मूव करने के बाद एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, वो अगला पार्ट आएगा। सो कैसे पता करेंगे, अगेन एफ बी डी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब आपने रिलीज किया ना तो अगर M1 पे कोई फोर्स नट सेल पे नहीं लगेगा तो ये नहीं मूव करेगा, अगर लगेगा तो मूव करेगा। M2 का एक्सेल नट सेल पे फोर्स नहीं लगेगा तो ये भी नहीं मूव करेगा, अगर नट सेल पे फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ से इसके अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है तो अगर वो रेस्ट पर है तो मूव करना स्टार्ट करता है।
ना उसी को बस हम लोग रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एम वन का एफबीडी बनाएंगे, तो आप देखोगे एम वन जी नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन वही रहेगा। तो ये आएगा एम वन जी और ये आएगा टी। फिर इसके बाद में एम टू पर आओगे तो एम टू पर टेंशन स्ट्रिंग की तरफ लगेगा और एक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने पार्टिकल्स के वहीं पर बना दिए फिगर में। तो ये टी रहा होगा और ये एन रहा होगा और ये एम जी कॉस 30 रहा होगा और ये एम जी साइन 30 रहा होगा। एम का मतलब एम टू है। ये भी M2 था। आपको समझ में आता है कि नहीं? अच्छा, एक और कोरिलेशन कॉमन सेंस डेवलप करने वाली बात करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में आओ। प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा सिस्टम मूव करने वाला है पुली को छोड़ करके। पुली वही रहेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा था और ये इसको मूव कौन करा रहा था। अब देखोगे ये जो फोर्सेस हैं टी, अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे तो टी हमारा इंटरनल फोर्स है, है ना। तो टी इंटरनल फोर्स कभी मूव नहीं कराते हैं। अगर हमने एम वन एम टू को एक साथ देखा, नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन होता है वो मूव नहीं कराएगा, अगर कराएगा भी तो ऊपर नीचे ये मूव नहीं करा सकते इसको। फिर इसका एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है तो वो कुछ रोल प्ले नहीं करेगा। आप देखोगे कि इसका ही ग्रेविटेशन फोर्स था जो नीचे लग रहा था। तो अगर आपने पूरा सिस्टम बनाया होता तो एम वन जी एक ऐसा फोर्स था जो इस पूरे सिस्टम को ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा है। तभी आपने देखा होगा कि इसका इक्वेशन क्या बना था, ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स कितना बना, एम वन जी। टोटल मास कितना था, एम वन प्लस एम टू। तो बेसिकली एम वन जी वाला फोर्स था जो पूरे सिस्टम को मूव करा रहा था। जस्ट टू डेवलप कॉमन सेंस। अब यहाँ पर देखो कि अगर इसको मूव कराना है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ एम जी लगा रहा है और इस ब्लॉक पर एक एम जी का कंपोनेंट इधर लग रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो फिर ये इधर लेके जाएगा और अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर लेके जाएगा, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो फिर कहीं भी नहीं जाएगा। हम लोग एम वन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम वन जी की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो एम वन जी की वैल्यू अपने को मिलेगी, एम वन अपने को पता है, जी अपने को पता है, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। एम टू जी साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री के बारे में पता करेंगे, एम टू इज 8, जी इज 10, साइन 30 इज हाफ, सो दैट इज गोइंग टू बी 40 न्यूटन। आप देखोगे कि इस पर इधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है और इसको नीचे पुल करने वाला फोर्स कम है। सो ये लीड करने की वजह से आप पाओगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा मूव करना स्टार्ट करेगा। सो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन वाला नीचे जाएगा और ये ब्लॉक हमारा ऊपर जाएगा, तो हम ये बोलेंगे मूव करेगा और किधर मूव करेगा, अप मूव करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ एम वन, तो जो आपसे एक्सेलरेशन ऑफ एम वन पूछेगा या फिर एम टू पूछेगा, बोलोगे दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होंगे क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती कम नहीं होती है। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा या फिर ये नीचे गया तो ऊपर जाएगा, दोनों सेम अमाउंट से जाएंगे, सेम टाइम पे जाएंगे। इसका मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। सो हमको ए पता करना होगा तो हम इसको यूज करेंगे। इक्वेशन एम वन की क्या बनेगी, एफबीडी आपको फोर्स दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स आपको पता चलेगा एम वन के बारे में। क्या इक्वेशन आ रही है, टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, एफ इक्वल टू एम ए। That's what we are trying to apply. फिर अप्लाई करो F equal to ma इसके लिए along this direction. तो total force कितना लग रहा है, इसका total force है m2 g sin 30 minus t is equal to m2 into a. कौन सी direction का force लिखा, इस direction का, क्योंकि इस direction का acceleration चाहिए था। हाँ, इस direction में normal reaction की बात करोगे तो m2 g cos 30 के बराबर हो जाएगी, तो normal reaction वहाँ पे हो जाएगा। अपने को normal reaction में interest नहीं है। अब देखोगे दोनों के लिए a बराबर है तो आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड अप कर लो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो t से t डिसअपीयर हो जाएगा, हमारे पास आएगा m2 g sin 30 minus m1 g must be equal to m1 plus m2 into a। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो कंपैरिजन हम लोगों ने किया था ना वैल्यूज का, बेसिकली इन्हीं का जो डिफरेंस होता है वही लीड कर रहा है, क्योंकि ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो जो डोमिनेशन में होगा वही लेके जाएगा। निना टू से यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम टू जी साइन 30 निकाला था, कितना आया था,
तो पहला टर्म हमारा 40 है. व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म, दैट इज 20. एम वन प्लस एम टू, टू प्लस एट इज टू ए. जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 20 इज इक्वल टू 10 ए. दैट मीन्स ए मस्ट बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक बार अपने को ए पता चल रहा है तो हम ये भी बता सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना चल रहा है. तो अगला क्वेश्चन आपसे टेंशन पूछ सकता था. अगर पूछेगा तो किसी एक फर्स्ट वैल्यू पे रख लो, इस पे रख दो या इस पे रख दो इक्वेशन पे. तो अगर अपने को टी निकालना होगा तो टी बोलेंगे हम एम वन जी प्लस एम वन ए होगा. एम वन जी इतना है 20 और एम वन ए, एम वन इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, सो दैट इज 4. सो टेंशन कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन. हालांकि मैंने टेंशन पूछा नहीं था बट निकाला जा सकता है. सो आपको क्या समझना है कि क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हैं और फिर क्या एक्सेलरेशन रिलेट कर पाते हैं, फिर क्या हम उसकी एफ इक्वल टू एम लगा पाते हैं. थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट इसी को बार बार करने का. ओके, आपने कुछ लिखा है बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन द लास्ट वन हाउ कैन एम वन जी मूव द ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट बींग बैलेंस्ड बाई टी वन. ये टी इसको बैलेंस नहीं कर रहा है, टी स्ट्रिंग का टेंशन है और वो टेंशन कितना लग रहा होगा वो इस इक्वेशन से पता चलता है. सो टी निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और ए एज्यूम करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. अब यहाँ से देखो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 न्यूटन आ रही है, जबकि एम वन जी कितना है, एम वन जी 20 न्यूटन है. सो 20 न्यूटन और 24 न्यूटन दे आर सेपरेट. यस, सो फर्स्ट यू कैलकुलेटेड फॉर ए, आई कैलकुलेटेड फॉर ए, फिर इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखा, एम जी की वैल्यू रखा, टी निकाला. आप चाहो तो ए की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में रख दो. तो अपने पास बेसिकली दो इक्वेशन है, ये न्यूटन का इक्वेशन है, ये भी न्यूटन का इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए. एक एम वन के लिए था और एक एम टू के लिए था. तो जो ब्लॉक होता है उसका मास, उसका एक्सेलरेशन लिखा जाता है. सो आपने क्या समझा, आपने पुली में इस तरह से ब्लॉक लगे हो तो बता देते हो. एक प्लेन सरफेस पे एक हैंग कर रहा हो तो आप बता सकते हो. प्लेन सरफेस को इंक्लाइन कर दिया जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. ये तीन तरह के केसेस हम लोगों ने डील किया. अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, कुछ आप सीखोगे कुछ आप यूज करोगे. जैसे कि अगर अपने को ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास एक ये सरफेस है और अपने पास एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसके आगे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है. तो जितने भी सरफेस है सब स्मूथ रहेंगे, फ्रिक्शन नहीं रहेगा. फ्रिक्शन जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक नहीं रहेगा. अनलेस से आप इस वाले ब्लॉक को पुल करते हैं, पुश करते हैं पीछे वाले ब्लॉक को. इसका एबिलिटी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. एफ फोर्स से पुश करते हो. तो जब आपने एम टू को पुश किया तो क्या केवल एम टू मूव करेगा या एम वन अकेला मूव करेगा या दोनों मूव करेंगे, कॉमन सेंस. सो अगर एक ब्लॉक आगे रखा हुआ है, एक पीछे ब्लॉक रखा हुआ है और आप बैक साइड वाले ब्लॉक को पुश करते हो बाई अप्लाइंग अ फोर्स, so whether m1 alone moves, m2 alone moves, both moves together, so that's so obvious and you can relate ki dono move karte hain. let's say aapko given hai ki m1 ki value 2 kg hai aur m2 ki value 4 kg hai aur jo aapne force lagaya hai that is 60 newton, both will move. good, फोर्स आपने 60 न्यूटन का लगाया हुआ है. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, वो आपको आंसर करना है. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि M1 भी मूव करेगा, M2 भी मूव करेगा. अच्छा, क्या एक और बात बता सकते हो कि क्या दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होंगे या फिर किसी का ज्यादा भी होगा? अगर ज्यादा होगा तो किसका ज्यादा होगा? लेट मीन्स अगर एम वन का एक्सेलरेशन हम ए वन मानते हैं, एम टू का एक्सेलरेशन ए टू मानते हैं, तो ए वन और ए टू में क्या रिलेशन होगा? तो आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि M2 M1 को पुश करके ले जा रहा है, तो जितना M1 मूव करेगा M2 को भी उतना ही मूव करने का. सो M1
एक अलग ऑब्जेक्ट है, M2 एक अलग ऑब्जेक्ट है, और इसके बावजूद भी दोनों के एक्सेलेरेशन बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे? क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहे हैं। सो द अमाउंट एम टू मूव्स द सेम अमाउंट विल एम वन विल बी मूविंग। अगर ये आपको समझ में आया तो अपने को एक और बात समझ में आती है, दोनों के एक्सेलेरेशन आप अलग अलग ना लेकर के हम एक ही एक्सेलेरेशन ले सकते हैं। गुड, चलेगा। सो मेरे क्वेश्चन कुछ इस तरह से जाएगा, फाइंड नंबर वन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ एम वन बोलता हूं मैं, या एम टू बोलता हूं, या कंबाइंड बोलता हूं, तो आपको एक ही काम करना है। सो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल एफबीडी बना सकते हो, कलेक्टिवली एफबीडी बना सकते हो। तो आप बोलोगे कि इस केस के लिए बेटर होगा कि हम एफबीडी बनाते हैं ऑफ एम वन एंड एम टू टुगेदर, दैट मीन्स एम वन और एम टू को अपना सिस्टम मान करके। तो जो भी एम वन एम टू है वो ये है, इसमें एम वन भी है और एम टू भी है। तो अंदर लगने वाले फोर्स तो हमारे काम के नहीं रहे, अब टोटल फोर्स ड्रॉ करते हैं। टोटल फोर्स में आप देखोगे कि एक फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो जिसका नाम एफ है। एनी अदर फोर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम? तो आप बोलोगे यस, इनके दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहे होंगे। सो दैट मीन्स एम वन प्लस एम टू टोटल मास इंटू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। एनी थिंग एल्स? यस, कॉन्टेक्ट है ग्राउंड से तो ग्राउंड इसको पुश कर रहा होगा, तो ग्राउंड से टोटल रिएक्शन एन आ रही होगी। ये फोर्सेस लगेंगे M1 और M2 को अगर एक साथ सिस्टम माना गया तो। जैसे आपने ये देखा और आपको ये पता चल गया कि ये सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन बराबर है और इसको आप A ले सकते हो। तो जब अगर ये सेम एक्सेलरेशन आपको मिले तो उसको आप एक सिस्टम मान करके भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ अपने को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन इक्वेशन लगाना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो एन की वैल्यू एम वन प्लस एन टू जी के बराबर आ जाएगी, टोटल नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन लॉ लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ बोलेगा कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू ए, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, और दिस इज वर्टिकल इक्वेशन, एन इक्वल टू एम वन प्लस एम टू जी। इस इक्वेशन से डायरेक्टली अपने को ये पता चल गया, डायरेक्टली ये पता चल गया, तो ए की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, एफ डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। डू वी नो एफ? यस। Do we know M1 plus M2? 2 plus 4, that is 6. So answer came out to be 10 meter per second square. इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो 10 meter per second square से चल रहा होगा, that means M1 का acceleration भी यही होगा, M2 का भी यही होगा, दोनों का same direction में होगा, और बता सकते हैं। So कौन सा सिस्टम लेना है ये अपने को over the time समझ में आने वाला है, और इसको हम लोग M1 को अलग solve करके M2 को अलग solve करके भी बता सकते थे, तब भी हमारा answer 10 ही आता है, आप check करेंगे। और हम सेम सिस्टम मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेम सिस्टम को तभी मानना है जब दोनों के एक्सेलेरेशन सेम आए। अगर M1 अलग से चल रहा है, M2 अलग से चल रहा है, तो फिर एज्यूम करना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हमको फोर्स, हमारा पर्पस क्या, हमको लगाना फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन, सो दिस एक्सेलेरेशन हैज टू बी ऑफ टोटल मास जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं। इस पे एक और क्वेश्चन, अगर हमने आपने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको जो मैंने बताया है वो उस पर आपका फोकस है और आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने को बता करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन एम वन बाई एम टू, या फिर बिटवीन द ब्लॉक्स पूछ सकते हैं। तो ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने वाली है वो अपने को पता करना है। तो जब आप नॉर्मल रिएक्शन पता करने जाओगे ना तो आपको पूरे का सिस्टम बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, तो आपको उसको किसी एक को अलग करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो M1 को ड्रॉ कर सकते हो या फिर M2 को ड्रॉ कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का FBD बनाओ, न्यूटन्स लॉ लगाओ और अपने को आंसर मिल जाएगा। सो इस केस में आपको फिर से एफबीडी बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, यू नीड टू चूज दैट। सो आप एम वन पर पूछा गया तो बेटर आप एम वन का बना लो। सो हम लोग लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम वन। व्हेन यू आर चूजिंग एम वन एज फॉर एफबीडी देन यू विल फाइंड कि एम वन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आप एम वन प्रॉपर बनाओ या फिर पॉइंट से दिखाओ या कुछ भी दिखाओ चलता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एम वन वी नीड टू चेक,
M1 पर कौन फोर्स लग रहा होगा, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एक ग्राउंड से रिएक्शन आ रही होगी। इसके अलावा ये किसके कांटेक्ट पर है, M2 के कांटेक्ट पर है, तो M2 के और M1 के कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा, और कांटेक्ट सरफेस पे किधर लगेगा, टूवर्ड द सरफेस लगेगा, तो यहाँ लगेगा। दैट मीन्स M2 ब्लॉक M1 को पुश कर रहा है, तभी M1 आगे जा रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये अपने को पता करनी है। लेट से इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम हम NR देते हैं, इसी NR को पता करना है। अच्छा, इसका वेट डाउन साइड कितना होगा, M1G, और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसको लगा रहा होगा, उसका नाम हम N1 रख सकते हैं, और ये M1 मास है। व्हाट अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, वी नो इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और वो ए है। एक्सेलरेशन हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, वो ए है। सिंस इट्स नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो N1 की वैल्यू M1G के बराबर आएगी। बट न्यूटन्स लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल से टोटल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज NR, इट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम इन टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस। सो वेन वी आर फोकसिंग ऑन दिस, वी आर फोकसिंग ऑन दिस अलोन। नाउ क्या हमको ए पता है? यस, ए तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सो व्हाट वर द आंसर? सो वी नीड टू राइट M1 विच इज 2A विच इज 10, सो आंसर टर्न अप एज 20 न्यूटन। इसका मतलब है 20 न्यूटन से M2 ब्लॉक M1 ब्लॉक को पुश कर रहा था। इक्वल एंड अपोजिट, M1 भी M2 को पुश कर रहा होगा, किससे? 20 न्यूटन से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपने M2 का एबिलिटी बनाया होता ना, तब भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है। आंसर आ जाता 20 इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स। सो क्या आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए कि हम नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हैं बीच का? अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे ना, तब भी हम बता देंगे। तो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूँ बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन, आप उस पर सॉल्व करके हमको बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। अगर आप बता पाएंगे तो अपना पर्पस पूरा हो रहा है। आइडिया FBD, देन राइटिंग द न्यूटन इक्वेशन। किसका FBD? सिचुएशन देख करके डिसाइड करना है, और न्यूटन्स लॉ को फिर सॉल्व कर देने का। न्यूटन्स लॉ बहुत सिंपल है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल का मतलब जो भी सिस्टम हमारा है उस सिस्टम के लिए। आप घर पे चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, M2 के FBD से निकालो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम M2 का भी FBD बना सकते हैं, M1 का भी, इसका M2 का भी बना सकते हैं, M1 को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये टोटली आपके लिए, आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। लेट से आपके पास बोलते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और कई सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, उसके बाद एक और ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए अभी 3 ही रखते हैं, और भी रखे जा सकते हैं, मोर देन 3 एज वेल। और आप लास्ट वाले को पुश कर रहे हो एफ फोर्स लगा करके। लेट से इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है, इसका नाम M3 है, और सरफेस आपके स्मूद है। अगर आपको ये जमता है तो वैल्यूज दे देते हैं। एफ की वैल्यू लेट से अपने को दिया गया 100 न्यूटन, M1 हैज बीन गिवन एज अ 4 kg, M2 हैज बीन गिवन एज अ 2 kg, M3 हैज बीन गिवन एज अ 4 kg। क्वेश्चन इज फाइंड, एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बट आंसर सही आना चाहिए। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M2 एंड M3, 2 और 3 ब्लॉक के बीच में, 2 और 3 ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन चल रहा होगा, ये अपने को पता करना है। ट्राई कर सकते हो। सेम आइडिया को आपको फिर से लगाना है। एक क्वेश्चन 40 न्यूटन, एक आंसर 40 न्यूटन आ रहा है।
तो हाउ टू सॉल्व, लेट मी एक्सप्लेन. आप देखोगे कि इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन बराबर रहेगा क्योंकि पुश करके जा रहे हैं. तो पहला पार्ट आप एक काम करो कि इसको पूरे को एक सिस्टम मान लो. जब इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो इसका अपना एक एक्सेलरेशन आएगा, उसको ए एज्यूम कर लो. और इंटायर सिस्टम के लिए अपने को इक्वेशन लगानी है. सो जब आप इस इंटायर सिस्टम का एबीडी बनाओगे तो आप देखोगे जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे वो वर्टिकली डाउन होंगे, जो नॉर्मल रेशन होगा वर्टिकली अप होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स रहेगा जो कि एफ है, बाकी कोई फोर्स आ नहीं सकता है. फ्रिक्शन आना था तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, बाकी कोई और फोर्स आएगा नहीं. जो भी नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो इंटरनल हो जाएंगे. तो हम जल्दी कैसे करते हैं, इसका एबीडी बनाया और बोला कि एफ की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू टोटल फोर्स एफ लग रहा है, टोटल मास कितना मूव करेगा, एम वन एम टू एम थ्री एक साथ मूव करेगा और ए ए हो जाएगा. सो यहाँ से अपने को ए की वैल्यू पता चल गई. ए की वैल्यू कितना आ गया, एफ डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सभी के एक्सेलेरेशन बराबर है. अच्छा, एफ की वैल्यू क्या अपने को पता है, यस 100 न्यूटन है. एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री 4 प्लस 2 प्लस 4 10 आ जाएगा. ये भी सिंपल नंबर बन गया. अगर ये सिंपल नंबर है तो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको यूज करेंगे फ्यूचर में, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा. हमको 10 का नहीं चाहिए था, अपने को ये पता करना था कि एम थ्री पर कितना रिएक्शन आ रहा होगा या एम टू एम थ्री के बीच में कितना रिएक्शन आ रहा होगा. तो अगला कंसर्न या अगला फोकस अपना होगा कि एम थ्री या एम टू में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए. उसको हम लोग अलग से देख लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम थ्री. एम थ्री को पकड़ते हैं. व्हाट आर द फोर्सेस दैट यू कैन सी एम थ्री पर, जो हम लोगों ने लर्न किया था कि फोर्सेस कैसे विजुलाइज करते हैं. इसका एम जी लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट्स ऑल. और ये ए से मूव कर रहा है ये तो पता ही है. कैन वी से कि एम थ्री एम टू के साथ कॉन्टेक्ट में है, यस. अगर एम थ्री एम टू के साथ कॉन्टेक्ट में है तो इस पर एम टू एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये वाला. और यही नॉर्मल रिएक्शन हमको पता करना है. सो और ये अपना फोर्स हो जाएगा एम थ्री जी, और ये हो जाएगा अपने लिए, कोई लेट से एम थ्री नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन ए. तो जब हम एम थ्री का एबीडी बनाएंगे तो केवल नॉर्मल रिएक्शन ये टू से आएगा, एम टू से. इस एफ को नहीं दिखाएंगे और इसका भी कोई रोल नहीं होगा, हम लोग बात कर चुके हैं. So what the Newton's law will say, Newton's law will be simple, it will be total force in the forward direction is equal to total mass which is m3, total acceleration which is a, as simple as anything. Now you'll find m3 की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 4. A की वैल्यू हम लोग निकाल चुके कितना है, 10. तो अपना आंसर कितना आ गया, 40 न्यूटन आंसर हो गया. So if you are finding 40 न्यूटन, that's perfectly okay. और उसके लिए आपको FBD बनाना, साथ ही साथ अलग अलग एमबीडीज बनाने पड़ रहे हैं. एक बार टोटल देखा और एक बार एम थ्री को देखा. आप चाहो तो एम टू को भी देख सकते हो, लेकिन एम टू को देखोगे तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन भी डील करना पड़ेगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन भी डील करना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर आपको एम वन भी देखना पड़ेगा. तो आप एम वन एम टू एम थ्री को अलग अलग वॉच कर सकते हो, दो को एक साथ वॉच कर सकते हो, जैसी भी आपकी चॉइस है. आप चाहो तो एम वन एम टू को एक साथ सिस्टम बना सकते हो, वो भी वर्क करेगा. आपने लिखा व्हेन यू से बिटवीन एम टू एंड एम थ्री डज इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम टू ऑन एम थ्री, यस इट मीन्स बोथ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम टू ऑन एम थ्री एंड ऑफ एम थ्री ऑन एम टू. सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट. और अपने को केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, तो किसी एक का दूसरे पर निकालने का. आपने लिखा वॉन्ट इट बी एफ माइनस एन आर इज इक्वल टू एम थ्री, नो, क्योंकि आपको M3 पर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं. और ये जो F है वो M3 पे नहीं लग रहा है, F किस पर लग रहा है, M1 पर. सो F इज एक्टिंग ओनली ऑन M1 बिकॉज इट इज शोन ऑन M1. सो FBD को प्रॉपर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने कपल ऑफ क्लासेस में उसको डिस्कस किया है. सो आपको क्या देखना है, M3 किसके कॉन्टेक्ट पर है, कोई और फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है उसको ड्रॉ करेंगे, दैट्स डन. इसके बाद ये ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन कितना भी आएगा तो आप डील कर ले जाओगे, और आपको आइडिया लग गया है कि सब सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो एक टोटल गैप बीडी बनाएंगे, फिर रिक्वायर्ड गैप बीडी बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे. अब कई बार क्या होता है कि स्ट्रिंग से कई सारे ब्लॉक को टाई करता है, तो वो भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो अभी तक लोग नॉर्मल रिएक्शन वेट और स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, टेंशन को.
आपने कुछ लिखा है, आई नो दे आर इक्वल बट कैन यू शो हाउ टू फाइंड M3 एंड M2 प्लीज फॉर क्लैरिटी। तो देखो ये हमने M3 का FBDA बनाया, अगर आप M2 का FBDA बनाओगे तो M2 पे कैसे फोर्स लग रहे होंगे। M2 को मैं यहाँ पे अलग से दिखाता था, अगर आप M2 को विजुलाइज करोगे FBDA के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो M2 पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से आएंगे। सो यू विल फाइंड कि M3 से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा और M1 से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इसका वेट आएगा ग्राउंड की तरफ। तो ये M2 के बारे में, ये नॉर्मल रिएक्शन वही है जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगाया गया, दैट मीन्स जो 3 पे लग रहा था उसका अपोजिट वर्जन है। ये कौन सा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आप इसको डैश बोल सकते हो। तो ये नॉर्मल रिएक्शन डैश कहाँ से आ रहा है, M1 से आ रहा है। फिर मैं यहाँ पर M1 का भी FBDA बना देता हूँ, सारे FBDAs से आपको रिलेट करना आसान होगा। और जब आप ज्वाइन करते हो तो जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं या इक्वल अपोजिट फोर्सेस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जब आप M1 का FBDA बना रहे होगे तो कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखना चाहिए, एक नॉर्मल रिएक्शन M2 देगा क्योंकि M2 कॉन्टेक्ट पर है, और एक फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो दैट्स एक्सटर्नल फोर्स, इसका खुद का ग्रेविटी डाउन साइड लगेगा, इसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। सो ये कौन सा फोर्स होगा, ये M1 जी होगा क्योंकि ये M1 है, और ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन होगा जो डैश जिसको हम लोगों ने माना हुआ है, और ये कौन सा फोर्स है एक्सटर्नली अप्लाइड है, ये कौन सा रिएक्शन है N1 है दैट मीन्स ग्राउंड से 1 पे लगने वाला है, इसका नाम हम N2 लिख सकते हैं, ग्राउंड से 2 पे लगने वाला, और ये M2 जी है। तो ये FBDA ऑफ M1, FBDA ऑफ M2, FBDA ऑफ M3 आप किसी भी एक को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर आप M1 M2 को कंबाइन कर दोगे तो ये दोनों फोर्स डिसअपीयर हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को काउंटर कर जाएंगे, और अगर आप तीनों को कंबाइन कर रहा था तो ये फोर्स आपस में चले गए और ये फोर्स भी आपस में कैंसिल हो गए थे। सो ये जो रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन बाई M3 ऑन M2, दिस इज रिएक्शन बाई M2 ऑन M3। सो अंतर क्या होगा, जब हम ऑन M3 लिखेंगे तो बोलेंगे इट इज टूवर्ड्स राइट, ऑन M2 बोलेंगे दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, दोनों की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल होगा। तो FBDAs अगर आपको समझ में आते हैं तो उनको रिलेट किया जा सकता है, आप इसके लिए न्यूटन इक्वेशन बना सकते हो, इसके लिए न्यूटन इक्वेशन बना सकते हो, आप NR डेज भी निकाल सकते हो, दैट मीन्स M1 और M2 के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है, आप N1 N2 N3 भी बता सकते हो, तो आप सारी एक अननोन बता सकते हो, दैट मीन्स इसमें कितना ग्राउंड दे रहा है, पोस्ट इसमें कितना दे रहा है वो उनके वेट के बराबर होगा, और फिर इनके बीच का क्या रिएक्शन चल रहा है वो भी निकाल सकते हैं। जनरली बीच के रिएक्शन पूछते हैं क्योंकि उसके लिए न्यूटन्स लॉ लगाने की जरूरत पड़ती है। होपफुली आपको सेंस बना रहा होगा। कुछ और एग्जांपल पिक करते हैं जिसमें स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है मल्टीपल ब्लॉक्स को लेकर के, और आप देखोगे सिमिलर रूल्स वहां पर भी लग रहे होंगे। लेट्स से कि आपको ये ग्राउंड दिया गया और आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, दो ब्लॉक वाला केस देखते हैं, फिर तीन ब्लॉक उसके बाद लगाएंगे, सो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट्स से इनको आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, स्ट्रिंग से रॉड से नहीं, एंड यू आर नाउ यू नीड टू पुल इट राइट, सो आप इसको पुल कर रहे हो इस वाले ब्लॉक को किसी फोर्स एफ से, ये आपके लिए M1 है और ये आपके लिए M2 है। लेट से M1 की वैल्यू 4 kg है और M2 की वैल्यू 2 kg है और ये स्ट्रिंग है, फ्रिक्शन अब्सेंट है तो स्मूथ सरफेस है, फोर्स की वैल्यू आपने 120 न्यूटन लगा रखी है। क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो वी नीड टू फाइंड कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो रहा होगा। जब आप इसको पुल करोगे तो स्ट्रिंग टेंस होगी, वही टेंशन अपने को निकालना है। स्ट्रिंग आपकी आइडियल है, दैट मीन्स मासलेस है। सो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ये मानते हैं कि M1 हमारा A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, M2 हमारा A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो A1 और A2 में क्या रिलेशन है। पहला क्वेश्चन,
आपने आंसर भी निकाल दिया, अच्छी बात है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या A1 और A2 में रिलेशन बता सकते हो, वेदर ए इज गोइंग टू A1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन A2, और A1 इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन A2, और A1 विल बी इक्वल टू A2 इफ आई कंसीडर M1 टू बी मूविंग विद A1, M2 विल मूव विद A2। सो आपने एक आंसर दिया कि A1 और A2 को बराबर होना पड़ेगा। इफ समबडी आस्क वाई इक्वल, तो कैन यू आंसर वाई दे आर इक्वल। ओके गुड, एग्रीड, A1 इज इक्वल टू A2। फिर आप लोग, आपसे लोग पूछ सकते हैं ना कि A1 और A2 बराबर क्यों, व्हाट इज द लॉजिक रीजन बिहाइंड। 14 न्यूटन के लोग दे रहे हैं, सो प्रोबेबली आंसर होगा करेक्ट। वो सेम पुलिंग फोर्स ट्रांसफर्ड, नो दैट वॉन्ट बी द वैलिड रीजन। स्ट्रिंग इज मासलेस, नो दैट्स नॉट द रीजन। वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए स्ट्रिंग इज मासलेस, ऑप्शन बी सेम पुलिंग फोर्स ट्रांसफर्ड, और भी ऑप्शन देगा। सो स्ट्रिंग का मासलेस होना A1 A2 को बराबर क्लेम नहीं कर रहे, तो ये भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये कैसे बोलेंगे कि A1 और A2 आपस में बराबर है। हालांकि आप रिलेट कर सकते हो, कई बार मैंने बोला है सेम टेंशन सो सेम फोर्स इंड्यूस्ड, नो दैट्स नॉट द रीजन। सेम टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यस सेम टेंशन एट द एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, दैट्स एग्रीएबल, बट वाई दी एक्सेलरेशंस आर आइडेंटिकल, बिकॉज एक्सेलरेशंस आर कमिंग आउट ऑफ फोर्सेस, राइट, या फिर किसी और। तो आपको M1 पे अलग फोर्स लग रहा है क्योंकि M1 पे टेंशन भी लग रहा है, F भी लग रहा है, M2 पर टेंशन केवल लग रहा है, तो दोनों के एक्सेलरेशन कैसे बराबर क्लेम कर पा रहे हैं। सो टेंशन सेम होना एक्सेलरेशन को इक्वल क्लेम करने के लिए रीजन नहीं है। टेंशन सेम होना सिंपली ये बता रहा है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन बराबर है। लेकिन आप देखो, अगर आप FBD बनाओगे तो M1 पे लगने वाले फोर्स अलग है, M2 पे लगने वाले फोर्स अलग है, M1 M2 के मासेस अलग है, तो हम एक्सेलरेशन को बराबर कैसे क्लेम कर रहे हैं। उसको हम एक लॉजिक से क्लेम कर रहे हैं, वो लॉजिक मैंने आपको बोला है, बट अगर आप रिलेट कर पाए तो अच्छी बात है, बिकॉज कनेक्टेड बाई सेम स्ट्रिंग, सो वॉट। अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आप काफी क्लोज जा रहे हो, बट उसका उसको थोड़ा सा और एलेबरेट करो कि अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनके एक्सेलरेशन बराबर है। बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ग्रेट। हाँ, तो आइडिया ये है कि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है, और सिंस स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है ना, वो स्ट्रिंग बढ़ने नहीं देगा। और अगर स्ट्रिंग बढ़ने नहीं देगा तो जितना ब्लॉक हमारा पहला वाला मूव करेगा, लेट से X1 डिस्प्लेसमेंट जाता है, तो इसको भी X और ये X2 जाता है, तो X1 और X2 बराबर आएंगे, दो बोथ विल बी कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, दैट मींस दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी। और अगर वेलोसिटीज बराबर होती है, बराबर होंगे, जब कनेक्शन नहीं है, उसका टेंशन से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका अरेंजमेंट से कनेक्शन है कि हमारी स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, और सिंस स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है तो उनके बीच का गैप नहीं बढ़ सकता है, तो जितना ये ट्रांसफर करेगा उतना ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, सेम टाइम पर दोनों बराबर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटीज बराबर है। और काइनेमेटिक्स बोलता है कि अगर वेलोसिटीज बराबर चलती है हमेशा, तो उनके एक्सेलरेशंस भी हमेशा बराबर रहेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है थ्योरेटिकली, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे एक्सीलरेशंस आर आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ इनएक्सटेंसिबल नेचर ऑफ द स्ट्रिंग, उसका मासलेस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट है, आप यूज तो कर लेते हो लेकिन अपने को लॉजिक भी समझ में आ रहा है। सो हम लोग बोलेंगे कि A1 इज इक्वल टू A2, और ऐसा लिखो सिंस स्ट्रिंग इज inextensible
दिस इम्प्लाइज कि दोनों के इंस्टेंट एनस एक्सेलरेशंस बराबर होंगे और अब आप उसको ए एज्यूम कर सकते हो. देन आफ्टर यू विल फाइंड कि अगर हमको ए वन और ए टू के बारे में पता चल गया, उनके बीच के रिलेशन के बारे में पता चल गया, अब हम न्यूटन इक्वेशन बना सकते हैं, उनका एफबीडीए बना सकते हैं. आप देखोगे कि अगर हम एम वन का एफबीडीए बनाते हैं और फिर एम टू का एफबीडीए बनाते हैं तो क्या दिखता है, तो एक एफबीडीए एम वन का बना देंगे और एक एफबीडीए एम टू का बना देंगे. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम टू, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम वन, आप एक बार लर्न कर लोगे तो डायरेक्टली इसी पे बनाया जा सकता है, फिर भी मैं हाईलाइट करने के लिए अलग बना रहा हूँ. एम वन पे लगने वाला फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक स्ट्रिंग फोर्स है. एम टू पर लगने वाला फोर्स केवल एक ही फोर्स है, स्ट्रिंग का फोर्स. बाकी इसके अपसाइड डाउन साइड फोर्सेस नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रेविटी होंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रेविटी होंगे. आप पाओगे कि ये जो फोर्स है वो एफ है, इसका नाम टी है. सिंस ये मासलेस है तो टेंशन बराबर होंगे, तो जब हम टेंशन को सेम बोलेंगे तो मासलेस की वजह से बोलेंगे. ओके और अब आपको पता चला कि इसका भी एक्सेलेरेशन इधर है, ए है, इसका भी एक्सेलेरेशन इधर है, ए है, तो न्यूटन इक्वेशन लगाते हैं. इसके लिए आप लगा सकते हो ये एम टू जी है और ये एन टू है और ये एम वन जी है और ये एम एन वन है. सो सिंस नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ नहीं रहा इसलिए आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, केवल हॉरिजॉन्टल फोकस कर सकते हो. सो यहाँ से न्यूटन बोलेगा कि टी मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पर न्यूटन को बोलना पड़ेगा कि एफ माइनस टी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन इंटू ए. तो ये दो इक्वेशन लिखना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ये दो इक्वेशन समझ में आता है तो आप लिखो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन, इन दोनों को ऐड कर दो. सो वन प्लस टू कर लो. जैसे ही वन प्लस टू करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम वन ए प्लस एम टू ए, दैट मीन्स एम वन प्लस एम टू इन टू ए. दैट मीन्स यू विल गेट टू नो कि ए की वैल्यू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू ए. आगे सॉल्व करते हैं. सो अगर अपने को एक्सेलेरेशन कभी निकालना पड़ा तो ये 120 जा रहा है और एम वन कितना दिया था 4 और ये कितना था 2, दैट मीन्स 120 बाई 6, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा स्क्वायर में. देन वॉट वी नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड टेंशन. क्वेश्चन आपसे टेंशन पूछता है तो टेंशन के लिए किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हो. मे बी इक्वेशन नंबर टू, टू इक्वेशन सिंपल जाएगी. टी की वैल्यू एम टू इन टू ए, डू वी नो एम टू, यस, हाउ मच, टू. ए की वैल्यू 20, तो आंसर कितना हो गया 40 न्यूटन. आप लोगों ने जो भी आंसर दिया था वो करेक्ट दिया था, 40 न्यूटन इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स. बट वो कैसे आ रहा है ये आपको समझने का. कॉपी कर लीजिए और याद रखिए कि स्ट्रिंग का टेंशन बराबर इसलिए होता है क्योंकि मासलेस होती है और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन इसलिए बराबर है क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल है. तो दोनों प्रॉपर्टीज का अपना अपना यूज है और आपसे पूछा जा सकता है कौन सी प्रॉपर्टी क्या बोलती है. गॉट इट? आपने लिखा है सर वोंट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस दे आर नॉट गोइंग टू वर्क ओवर हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स एंड हियर स्पीड्स आर वेरी स्मॉल. सो हमारे लिए लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है, ऐसा हमारा अप्रोक्सीमेशन चलता है. मास कॉन्स्टेंट रहता है, ऐसा अप्रोक्सीमेशन चलता है. टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये अप्रोक्सीमेशन है. So Lorentz transformations are not working here. They are part of the modern physics. Okay. एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. Very similar type क्वेश्चन है और आप उसका आंसर कर देंगे. जिसमें instead of having two blocks, we can have a three blocks, four blocks, five blocks or n blocks. And आपसे किसी भी string का tension पूछा जा सकता है. तो आपको सभी के FBDs बनाना है, equations बनाना है, simplify करना है. यहाँ पर भी चाहो तो आप दोनों को एक सिस्टम ले सकते हो क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों के एक्सेलेरेशन बराबर है. इसका मतलब आप चाहो तो इसको कंबाइन सिस्टम ले लो. जैसे ही आप कंबाइन सिस्टम लोगे तो टोटल फोर्स आपको ये मिलेगा, टोटल मास एम वन प्लस एम टू हो जाएगा. तो एक्सेलेरेशन टोटल फोर्स डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू जैसा आता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से भी प्रूफ किया अलग अलग करके. तो दोनों को इसलिए एक साथ सिस्टम बना सकते हो क्योंकि दोनों के एक्सेलेरेशन कैसे हैं, बराबर है. और इक्वल कहाँ क्यों आ रहे हैं वो हमने जस्टिफाई किया, इनएक्सटेंसिबल नेचर ऑफ द स्ट्रिंग. अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग ना लेकर के स्प्रिंग लगाते, स्प्रिंग, क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता.
उस समय A1 एक अलग एक्सेलरेशन होता है, A2 एक अलग एक्सेलरेशन होता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग हमारा बढ़ सकता था, और इवन दो स्प्रिंग मासलेस भी रहता तब भी A1 और A2 वॉन्ट बी इक्वल, दे विल बी डिफरेंट। तो जब वो डिफरेंट होते तो फिर उनका अलग से सॉल्व कर रहे होते कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसा जा रहा है, उसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे। सो इनएक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी। लास्ट एग्जांपल इज दिस, इसका आप आंसर करेंगे। और लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास ग्राउंड पर रखे हुए कपल ऑफ ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, देयर इज वन मोर ब्लॉक, देयर इज वन मोर ब्लॉक। वी कैन कीप ऑन राइटिंग जितना भी करना हो, क्योंकि अपने को आइडिया है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कम ज्यादा होगी, दैट्स ऑल। सो लेट्स से कि यहीं पर स्टॉप करते हैं और बोलते हैं कि एक यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, हम लोग केवल स्ट्रिंग लगा रहे हैं, स्प्रिंग वाले केस बाद में देखेंगे। और ये स्मूद है, दैट मीन्स नो फ्रिक्शन। फोर्स जो आपने लगाया, लेट्स से फोर्स इज 80 न्यूटन, लेट्स से इस ब्लॉक का नाम M1 है, इसका नाम M2 है, इसका नाम M3 है, इसका नाम M4 है, और यहां पर लाइक करने वाले स्ट्रिंग का टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 है, इस स्ट्रिंग का टेंशन T3 है। देखो इन सब के टेंशन अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहता है, दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन बिल्कुल अलग हो सकता है। सो अपने को गिवन है, क्या गिवन है? गिवन इज दैट M1 की जो वैल्यू है वो 1 kg है, M2 की वैल्यू 2 kg है, M3 की वैल्यू 3 kg है, M4 की वैल्यू 4 kg है। लेट्स से कि इस ऑर्डर पे दे दिया गया। आपसे पूछता है कि फाइंड T3, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग 3, इफ यू कैन सी इन द फिगर। दैट मीन्स M3 और M4 ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग के पास कितना टेंशन है, ये बताइए। तो आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स के BDs बना करके जा सकते हो, या टोटल का एक्सेलरेशन निकाल करके जा सकते हो, चॉइस आपकी है। और फाइनली आपको M3 में और M4 में से किसी एक का BD बनाना पड़ेगा, और फिर टेंशन निकलेगा। टाइम लेकर के सॉल्व कीजिए, कोई हरी नहीं है, बट आंसर सही आना चाहिए। एक आंसर 32 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स थे, इसलिए उनके टेंशन अलग अलग रहेंगे। 32 न्यूटन एक आंसर आया है, वेरीफाइड भी हो रहा है आप ही लोगों से। गुड। तो अगर आप T3 निकाल सकते हो तो आप T2 भी निकाल सकते हो, T1 भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही सब पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। सो आई कैन सी एन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गिविंग आंसर इज 32 न्यूटन। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बिकॉज यू पीपल आर गिविंग द सेम आंसर, probably it has to be correct. और अगर गलती हुई तो इसका मतलब you people are doing the same गलती, तो उसको हम correct करेंगे। देखो कैसे handle करने का, अगर आप चाहो तो M1 का BD बनाओ, M2 का बनाओ, M3 का बनाओ, M4 का बनाओ, फिर हमको ये पता करना होगा कि सभी strings जो हैं inextensible हैं, तो इनके बीच के जो gaps होंगे वो constant रहेंगे। इसका मतलब अगर इसको आप किसी X amount से displace करते हो इसको, तो ये भी x से चलेगा, ये भी x से चलेगा, ये भी x से चलेगा, सेम टाइम पे चलेगा। इसका मतलब सभी की वेलोसिटीज बराबर होंगी, सभी के एक्सेलरेशंस बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि बिकॉज ऑफ इनएक्सटेंसिबल नेचर ऑफ द स्ट्रिंग, ऑल विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। सो लेट्स से वो सेम एक्सेलरेशन a है, तो आप क्या करो, एक कंबाइंड सिस्टम कंसिडर कर लो जिसमें सारे मासेस आ रहे हैं, और टोटल हॉरिजॉन्टल लगने वाला फोर्स को वॉच करो एक्सटर्नल। तो ये एफ एक्सटर्नल होगा,
T1 T2 इंटरनल हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी लग रहा होगा इधर भी लग रहा होगा तो एक दूसरे को खा जाएगा, एंड सिमिलरली T2 भी एक्सटर्नल इंटरनल हो जाएगा, T3 भी इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल के नाम पर केवल यही होगा। सो न्यूटन इक्वेशन क्या बोलेगा कि टोटल फोर्स इन योर सिस्टम डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ योर सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू ए। सिंस सभी का एक्सेलेरेशन ए था इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल फोर्स अपने को 80 न्यूटन बताया गया इज इक्वल टू टोटल मास, इसका सम कर दो। सो 1, 2, 3, 4 को अगर आप एडअप करोगे तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा, तो ये 10 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इससे अपने को पता चला कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू 8 m/s² आ रही है। दैट मीन्स सभी ब्लॉक्स सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे होंगे, वो 8 m/s² है। फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनिशियली रेस पर था और बताइए कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो आप देखो कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, s = ut + ½t² लगा देंगे, अपने को डिस्टेंस ट्रेवल पता चल जाएगी और जितना m1 चलेगा उतना m2 चलेगा, सभी सेम अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे, मतलब काइनेमेटिक्स को भी कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पर अपने को काइनेमेटिक्स नहीं था, अपने को T3 चाहिए था। अब T3 बनाने के लिए आप M4 का BD चूज करो या फिर M3 का करो, क्योंकि तभी T3 आएगा। दोनों को एक साथ कर लिया तो T3 डिसअपीयर हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। अच्छा, जब आप M3 को चूज करोगे तो एक और इशू आएगा कि T2 आपके लिए परेशान करेगा आपको, तो M4 को चूज करना ज़्यादा आसान है, या फिर आप चाहो तो M2 और M3 को एक साथ ले लो, फिर आपको T1 परेशान करेगा, तो बेटर होगा कि आप M1, M2, M3 को एक साथ ले लो। जैसे ही M1, M2, M3 को एक साथ लोगे तो ये बाहर वाला फोर्स हो जाएगा, T3 हो जाएगा, दो फोर्स हो जाएंगे, वहां से एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो M4 को पकड़ो या फिर इन तीनों को कंबाइन होकर के पकड़ो। कम कैलकुलेशन करने के लिए आप M4 को पकड़ोगे। सो हम लोग लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M4, और या फिर आप इसी पिक्चर में ड्रॉ कर लो, चॉइस आपकी है। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप जितने फास्ट करोगे चलेगा, बट करेक्ट करना जरूरी है, इसलिए हम लोग सारे स्टेप्स इनिशियली लर्न कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड कि M4 पे लगने वाला फोर्स केवल T3 है, बाकी इसके mg और नॉर्मलाइजेशन है, और देन आफ्टर यू विल फाइंड कि इसका एक एक्सेलरेशन है, ये इसकी स्टोरी है। ग्रेविटी फोर्स कितना है, m4g, नॉर्मलाइजेशन लेट्स से n4 है, टेंशन T3 है और एक्सेलरेशन a है। जब आप न्यूटन से पूछोगे कि इसके लिए क्या इक्वेशन लिखी जाए, तो उनका कहना होगा कि टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लिखो और टोटल मास लिखो और एक्सेलरेशन लिखो। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस देन यू विल फाइंड कि T3 की वैल्यू अपने को तो पता करनी है। M4, डू वी नो M4? यस। डू वी नो A? यस। सो देयर इज अ नंबर, दैट्स अ करेक्ट नंबर, सो दैट विल बिकम योर आंसर। सो अगर आपने 32 न्यूटन बताया है, इसका मतलब आपने परफेक्टली करेक्ट बताया। सो कपल ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमको किस तरह से थिंकिंग डेवलप करनी होती है, किस तरह से हमारी अप्रोच होती है। अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पहले एक्सेलेरेशन जज करने होते हैं, सिस्टम जज करने होते हैं, फोर्सेस को वॉच करना होता है, FBDs को बनाना होता है, न्यूटन इक्वेशन लगानी होती है, और फिर इसको सॉल्व करते अपना आंसर आता है। यस, सो 32 न्यूटन इज परफेक्टली करेक्ट। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है, बेसिक न्यूटन्स लॉ F=ma को लगाना सीखा है, सिस्टम बनाना सीखा है, FBDs बनाना सीखा है, और उनके एक्सेलेरेशन में क्या लिंकेजेस चल रहे हैं उनको भी बनाना सीखा है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अब क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने इतने ब्लॉक्स लगाए हैं, अभी पुली नहीं लगाया, अभी एक पुली लगाया था, अब दो पुली लगाएंगे, तीन पुली लगाएंगे, n नंबर ऑफ पुलीज लगाएंगे। तो नया जो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नया पॉइंट आपके लिए कनेक्शन का, वो ये होगा कि ये जो A1 और A2 एक्सेलरेशन में कैसे कनेक्शंस बैठाते हैं वो आपको सीखना होगा। तो नया नेक्स्ट स्टेप टू लर्न इज कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। दैट मीन्स M1 और M2 फ्री नहीं है, अगर M1 मूव करेगा तो M2 मूव करेगा, सो दैट मीन्स M1 और M2 कंस्ट्रेंट है मूव करने को लेकर के। सो उसको कंस्ट्रेंट रिलेशन के नाम से जानते हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। सो कोई कंसर्न और क्वेश्चन बचा हो तो आप क्विकली पूछ लीजिए, अदरवाइज आपका टाइम भी हो गया, और न्यूटन्स लॉ में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी लेवल का आएगा, और इसके बाद जब अगला एडवांस आएगा तो हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे।
ओके गुड. सो एनएलएम आपका कंप्लीट हो जा रहा है एग्जाम तक के लिए. अभी इसके आगे का जो पोर्शन है वो टेस्ट की बात करेंगे. एंड आपकी डीपीपीज बची हुई रिलेटिव मोशन की और उसके डाउट्स. तो वुड यू लाइक टू हैव अ लेक्चर डिस्कशन लेक्चर टुमारो और यू वांट टू हैव अ प्रैक्टिस एट होम? चॉइस आपकी है. इफ यू वांट टू हैव अ लेक्चर वी कैन असाइन अ लेक्चर फॉर 1 आवर डिस्कशन फॉर डीपीपीज. अदरवाइज जो बचा हुआ डीपीपी है उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्राई कर सकते हैं. इज देयर एनी मटेरियल विच इज फ्रिक्शनलेस? आइडली देयर इज नन. आई मीन सॉरी, अगर आप आइडली जाओगे मतलब प्रैक्टिकल में परफेक्टली फ्रिक्शनलेस की बात करोगे तो कोई फ्रिक्शनलेस नहीं होता है. सभी के पास फ्रिक्शन होते हैं. थ्रेटिकली भी एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस. तो चलते हैं. हंड्रेड परसेंट फ्रिक्शनलेस नहीं होता है बट यस काफी क्लोज टू फ्रिक्शनलेस होता है. सो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. नॉट इवन स्पेस. सरफेस की बात चल रही थी तो मैंने सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला. स्पेस के देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई प्रेजेंस है या नहीं है. अगर स्पेस वैक्यूम है तो वैक्यूम में फिर फ्रिक्शन को हम नहीं मानते हैं, वो एयर ड्राइगर. लेकिन जब कभी सरफेस होगा देन यू विल फाइंड कि वहां पर फ्रिक्शन जरूर आएगा. हाँ, सो सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछोगे देन यू विल फाइंड कि देयर इज नो सरफेस विच इज परफेक्टली स्मूथ. सो कल लेक्चर डिस्कशन रखना है या नहीं ये आप मेरे को आइडिया दे दो. Whether you want a lecture, then you say yes. If you don't want, say no. Both will be considered. Then I will inform you in the group कि क्या करना है. Friction is a contact force. Yes, आप पढ़ोगे friction एक contact force होता है. Okay, तो आप poll कर लो और group पे भी बता सकते हो कि आपको क्या करना है. तो अकॉर्डिंगली वी विल असाइन. आई एम टोटली फ्री और चॉइस आपकी तरफ से है. बट आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस वोंट बी सो डिफिकल्ट. तो अगर आपने बेसिक समझ रखा है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे. तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी सफिशियंट. बट इफ यू आर इंथुजियास्टिक, आप चाहते हो कि लेक्चर रखा जाए तो कर सकते हैं. इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल एंड स्टूडेंट ड्राइव इन. दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट देन. You want time to test prep. Okay, good. So you can have that test preparation. All the best for that. And if you have any serious questions, you can put in the group. मैं ग्रुप पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे पड़े हुए हैं, अगर उनको आंसर नहीं किया है तो मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. Okay, so we won't have a discussion session tomorrow, and you give this exam by preparation, and jo DPPs bachi hui hain wo next week mein hum log tackle karenge. Okay, all the best for the test. Have a good time. Bye bye.